हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एफसीआई। दोस्तों, मैं अर्जुन। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने जो वीडियोस अपलोड की उनमें से अधिकतर वीडियोस पर एक कमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला कि क्या आरआरबी एनटीपीसी में जो वैकेंसी थी वो इंक्रीज हो गई है। कई लोग बोल रहे हैं कि 35,000 के करीब जो वैकेंसी निकली थी वो 55,000 के करीब हो गई हैं। तो इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ उस वीडियो में। तो जितने भी लोग ये सोच के वीडियो देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की कोई डेट बताऊंगा, तो नहीं, इस वीडियो में कोई डेट नहीं बताने वाला हूं। अभी वीडियो को स्किप कर दो। और जिन लोगों को इस डाउट को क्लियर करना है ये वैकेंसी से रिलेटेड जो है, तो वो लोग वीडियो को बने रहे कंटिन्यू। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस, सबसे पहली चीज याद रखो, वैकेंसी बढ़ना या घटना इतना आसान नहीं होता है कि जो कोई इंसान बोल दे और वैकेंसी इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहली चीज तो हमेशा ये याद रखो, रेलवे अगर वैकेंसी बढ़ाती है घटाती है तो बहुत कुछ सोचती है, इतनी आसानी से नहीं बढ़ा देती है वैकेंसी। लोग बोल रहे हैं कि सीधी सीधी 20,000 वैकेंसी बढ़ गई है, 35,000 से 55,000 हो गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नहीं ऐसा कहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है अभी तक। हुआ क्या है, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है, अगर आपने गौर किया हो, जब मार्च 2019 के टाइम पर एनटीपीसी के जब फॉर्म आए थे उसी टाइम की बात है कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी थी वो 44,000 की जा रही थी 35,000 की जगह। तो कई वेबसाइट पर और कई यूट्यूबर्स ने उसको लेकर वीडियो बनाई हुई थी। तो इसी चीज को लेकर आगे भी ये सिलसिला बढ़ता गया और आज भी लोग उसी टॉपिक पर वीडियो बना भी रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वैकेंसी बढ़ी नहीं है, ऐसा कोई कंफर्म नोटिफिकेशन नहीं आया था। इस टॉपिक पर मैंने उस टाइम भी वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने ये कहा था कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, जब ऑफिशियल आएगा तभी उस पर विश्वास करना। तो ये सब एक अलग बात है। अब इंटरनेट पर आप सर्च करोगे तो उसमें वेबसाइट पर तो ये भी बता रहा है कि आरआरबी पटना ने ऑफिशियल्स ने बताया है कि वैकेंसी 44,000 के करीब हो गई है, जबकि क्या हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कहीं भी। तो ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं इनसे आप दूरी रहो। अभी कोई भी वैकेंसी ना तो बढ़ी है ना घटी है, 35,000 वैकेंसियां वही हैं। मुझे तो उल्टा चांस लग रहा है कि वैकेंसी घट ना जाए, क्योंकि जिस तरह हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, रेलवे जहां तक है ज्यादा वैकेंसी नहीं रखेगी, कम ही कर देगी। क्योंकि हम लोगों के टाइम पर भी जब वैकेंसी निकली थी 18,000, तो वो घट के 14,000 हो गई थी, जबकि हम लोग सोच रहे थे वैकेंसी बढ़ जाएंगी। हालांकि उस टाइम पे कोरोना जैसा कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ था। तो कोई कंफर्म नहीं है कि वैकेंसी बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए फालतू या अफवाहों पर ध्यान मत दो। क्योंकि देखो, यूट्यूब पे ऐसे कई सारे चमन इंसान भरे हुए हैं जो आप लोगों को हर बार सपने दिखाएंगे। तो ऐसा कोई टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो बस।